हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिंस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही एक बहुत ही इजी रेसिपी जिसका नाम है एगलेस मग केक। इसे आप घर में आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाइए देखते हैं और मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चॉकलेट मग केक बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप मैदा, 50 ग्राम कंडेंस मिल्क, 1/2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1/2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 चम्मच वैनिला एसेंस, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 25 ग्राम मेल्टेड बटर, 1/4 कप दूध और चॉको चिप्स। और पाइनएप्पल मग केक बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप और 1/2 टेबलस्पून मैदा, 50 ग्राम कंडेंस मिल्क, 1/2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1/4 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 25 ग्राम मेल्टेड बटर, 1/4 कप दूध और चॉप्ड पाइनएप्पल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चॉकलेट मग केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये माइक्रोप्रूफ मग, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और अब इसमें हम डालते हैं मैदा और कोको पाउडर भी डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालते हैं आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं और बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार फोक से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं मेल्टेड बटर और फिर इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क और इसमें हम डालते हैं थोड़े से वैनिला एसेंस और लास्ट में इसमें हम डालते हैं दूध। और सभी को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में डालते हैं चॉको चिप्स और सभी को हम तब तक मिक्स कर लेते हैं जब तक कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा चॉकलेट का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम माइक्रोवेव में रखते हैं। और अब इसे हम माइक्रोवेव में हाई हीट पर रखकर लगभग 2 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो माइक्रोवेव में केक है वो 2 मिनट में नहीं बल्कि 1.5 मिनट में ही हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, हमारा चॉकलेट मग केक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम पाइनएप्पल मग केक भी बना लेते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हमने सेम वही तरीके से माइक्रोप्रूफ मग लिया है और अब इसमें हम डालते हैं मेल्टेड बटर और फिर कंडेंस मिल्क भी डाल देते हैं और दोनों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं मैदा, फिर इसमें हम आइसिंग शुगर भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। और चूँकि हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल केक तो इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल एसेंस और फिर इसमें हम डालते हैं दूध और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस। और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि मिक्सचर हमारा बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा पाइनएप्पल केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे भी हम माइक्रोवेव में रखते हैं। और सेम वही इसे हम हाई टेम्परेचर पर रख कर लगभग 1.5 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे माइक्रोवेव के अंदर जो पाइनएप्पल केक है वो आप देख रहे हैं काफ़ी फूल गया है। और ये देखिए, टाइम भी हो गया है, अब केक को हम बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट और पाइनएप्पल दोनों ही मग केक बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसे आप ऐसे ही ब्रेकफास्ट के समय बच्चों को दूध के संग सर्व कर सकते हैं या इसे आप मनचाहे आइसिंग से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने पाइनएप्पल मग केक को व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट मग केक को मैंने चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया है। और अब चलिए इसे हम कट करके भी देख लेते हैं कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए, हमने पाइनएप्पल केक को कट किया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। और सेम वही तरीके से हम चॉकलेट केक को भी कट करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केक बहुत ही यम्मी बने हैं। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट मग केक और पाइनएप्पल मग केक बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है।
आपने देखा ना मग केक बनाना कितना आसान है माइक्रोवेव में, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। और भी नए रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूजडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।